सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ई में कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कैसे लगेगा? देखो, सपोज 5 कूलम का चार्ज है, 1 मीटर दूर आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। यहाँ कोई चार्ज चाहिए नहीं मुझे, यहाँ ई निकालना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इमेजिन करूँगा जहाँ मुझे ई निकालना है वहाँ चार्ज इमेजिन क्या करूँगा, +1। कर लिया इमेजिन पहला रूल। इस चार्ज ने पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया। रिपेल किया तो फोर्स कहाँ पर है, टूवर्ड्स राइट। क्लियर है, फोर्स राइट है तो ई की डायरेक्शन भी कहाँ है, राइट। ठीक है यहाँ तक? तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0Q/r का स्क्वायर आंसर। जैसे नेक्स्ट है, -3 कूलम चार्ज है, 1 मीटर है, +1 है, ई निकालना है। यहाँ पे जहाँ ई निकालना है वहाँ चार्ज +1 रख दिया। इस माइनस ने प्लस को क्या किया, अट्रैक्ट। तो फोर्स कहाँ पर है, इस तरफ है। ई भी कहाँ पर है, इसी तरफ है। तो ई इस तरफ है। वैल्यू क्या होगी ई की, 1/4πε0Q/3/1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना है इसके अंदर भी, जैसे फोर्स में भी मैग्नीट्यूड है, ई में भी मैग्नीट्यूड है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है, वेक्टर डिसाइड कर रहा है कि राइट होगा या लेफ्ट होगा। बिल्कुल फोर्स की कॉपी है, बस फर्क ये है फोर्स में 2 चार्ज है, ई में 1 ही चार्ज है। -1 ले सकते हैं रूल बना, देखो ऐसा है, फिर -1 है, फिर -1 के साथ डिवाइड करके रूल्स चेंज होंगे, पर अल्टीमेटली बात वहीं आ जाएगी। क्योंकि अगर आप एफ अपॉन क्यू करोगे फिर एफ में भी माइनस देना पड़ेगा, तो इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ सबसे सामने आता है आंसर। पर मतलब उस पर रूल अलग बनाने पड़ेंगे ई के, तो ये +1 के साथ ही किया जाता है तभी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तभी तो डेफिनेशन कहती है इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नॉट यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो इसलिए यूनिट पॉजिटिव के साथ ही सेट रिएक्शंस आती है। तो इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, 8 कूलम है, 4 कूलम है, यहाँ पे ई निकाल लो। रूल नंबर 1, जहाँ ई निकालना है वहाँ चार्ज +1। 8 कूलम +1 को क्या करेगा, रिपेल टूवर्ड्स राइट। तो ये ई कितना लगाएगा, 8 कूलम यहाँ पे ई क्या लगाएगा, 1/4πε0(8)/1 का स्क्वायर। और 4 कूलम +1 पे ई कहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, रिपेल करेगा। कितना, 1/4πε0(4)/3 का स्क्वायर। अब एक ई राइट एक ई लेफ्ट, बड़े ई में से छोटे ई को क्या कर देना है, माइनस। तो इसके अंदर जो ई राइट की तरफ बड़ा है और ये छोटा है, तो आंसर कहाँ आएगा, टूवर्ड्स राइट। और यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जैसे ये देखो, ये -3 कूलम चार्ज है, ये 5 कूलम चार्ज है, आपको यहाँ पे ई निकालना है। तो ई निकालना है तो +1, -3 +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0(3)/1 का स्क्वायर। और 5 पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो 1/4πε0(5)/7 स्क्वायर। दोनों वेक्टर राइट है तो दोनों को ऐड किया, आंसर। तो आंसर टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है यहाँ तक? तो एक काम करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो।